हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैं चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे बिना समय व्यतीत किए। आइए देखते हैं। हमको पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट से कौशे। हमने क्या किया कि इसमें कुछ लोगों का कुछ का रेंज है, जैसे -π/2 से π/2 हमने दो सदस्य बना दिए। जैसे ये जो सदस्य है हमने साइन कॉसेक टैग कर दिया, जो बी सदस्य है उसको कॉस से कॉट किया। मैंने ऐसा क्यों किया आपको पीछे बताता हूँ। इधर आइए, जो हमारा साइन का जो हमारा रेंज आएगा ना, मान आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि वह -π/2 और प्लस का π/2 आ सकता है। यहाँ पे कॉसेक का आपको पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। सेक का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक का भी माइनस का π/2 से π/2 के बीच में आएगा, जबकि टेन का जो होगा, जो छोटा ब्रैकेट है -π/2 से प्लस का π/2, इसका कारण यह है कि हमारा माइनस का 90 से प्लस का 90 कभी नहीं आएगा, इसके बीच का आएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर जो बड़ा ब्रैकेट है तो -π/2 से π/2 के बीच का आएगा या फिर उसके बराबर भी आएगा, लेकिन जब अगर बात आएगी छोटे ब्रैकेट की तो -90 से +90 के बीच का, यानी कह सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच का आएगा, माइनस का π/2 और प्लस का π/2 नहीं आएगा। आगे देखिए, हमारा जो हमने इसको आसान तरीके से जो बुक में दिया है सारा एक तरफ से दे दिया, हमने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको एक बार देखे और आसानी से याद हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो, याद ना करना पड़े बार बार। इधर देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। यहाँ मान जाए कि इधर टैन है तो एक क्या बचा? हमारा कॉट ही तो बचेगा ना। इसका जो होगा वह 0 से π होगा। कितना? 0 से π। कॉस का 0 से π, सेक का 0 से π, यहाँ कॉट का भी 0 से क्या होगा π। तो जो सेम सिचुएशन यहाँ लागू हुई है वह भी तो यहाँ लागू होगी। अगर यह 0 से π है छोटा ब्रेकेट में, तो इसके कहने ब्रेकेट हमसे यह कहना चाह रहा है कि यह 0 और 180 के बीच का आएगा, न कि 0 और 180 आएगा। हमके इसके बीच का जो आंसर आएगा वो आएगा, इसके बराबर नहीं आ सकता। आगे देखिए, अब तक हम पढ़ते आए हैं इधर साइन जो 11th से कुछ थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, बाकी सारी की सारी टॉपिक इसमें 10th की ही ज्यादा से ज्यादा यूज होगी। हम याद करेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा या एक्स बोल लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। साइन का उल्टा क्या होता है? जो चीज यहाँ हुई ना वही सेम टू सेम एक बार आप नजर डालिए, तो वही मैंने किया, क्या बिल्कुल वही किया। यह कहाँ यूज करूंगा? जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको देखने को मिल जाएगा, अगर साइन माइनस में होगा थीटा ना, तो मैं माइनस साइन इनवर्स थीटा लिखूंगा, लेकिन अगर बाई दबे कास माइनस थीटा आ गया तो मैं पाई माइनस कास इनवर्स थीटा मैं घटाऊंगा। यानी कि अगर साइन कॉस टेन आता है माइनस थीटा तो माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस सेक और कॉट आता है तो ये पाई में से घटता है। कितना? पाई में से घटता है। ये चीज याद रहे आपको, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। एक बार इसको आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, एक बार पढ़ लेंगे आसानी जा करके। आप एक बार बुक पढ़िएगा, कुछ छोटी छोटी चीजें जिसको मैंने छोड़ा है एक बार इसको लिखिए तो अच्छे से, और प्रश्नावली को बिल्कुल ही सिंपल भाषा में और आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए ना तो एक एक क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। एक बार इसको लिखिए तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बस कुछ छोटी चीज समझाने के लिए, मान जाइए साइन एक्स है ना और इधर वाई, हम इधर से अगर साइन एक्स हटाए ना, इधर से साइन तो उधर जाएगा ना, तो ये इनवर्स होगा, साइन इनवर्स वाई होगा। यह चीज को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, याद रख रहेगा, बस मन में बैठा रहेगा कि अगर साइन एक्स इक्वल वाई है तो हम अगर साइन को उठा करके उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स बनेगा। बनेगा कैसे? इधर है क्या है, एक्स के गुणे में इधर जाएगा, इसमें भागे में होगा, नीचे प्लस घात है, ऊपर ले जाएंगे -1 घात होगी, इसलिए इनवर्स बन जाता है। ठीक है, आइए तो फिर हम लोग चलते हैं।
प्रश्नावली एक्सरसाइज में डायरेक्ट जो बीच बीच में आता रहेगा सूत्र, मैं उसको बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। हमको इससे इससे या हमसे दिया है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपको पता होगा इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति चार्ट जरूर याद करना पड़ेगा। जैसे 1/2 आ गया, रूट 2 आ गया, किसका मान है हमको इसमें रेट चेंज करके हमको पाई में मान बताना है। ठीक, चेंज कैसे करेंगे, मैंने इधर लिखा हुआ है कि 90 को डायरेक्ट कैसे, अगर मान लीजिए कि 90 को आपको जानना है कि कैसे मैं पाई बाय 2 किया हूँ, अगर किसी भी डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई बटे 180, कितने डिग्री को चेंज करना है, मान लीजिए 60 डिग्री चेंज करना है, आप 60 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, वो हमारे पाई में चेंज हो गया, 0 0 गया, 6 + 6 = 6 = 3 = 18, कितना होगा पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 मैंने लिखा है कि नहीं, आप किसी को भी उठा लीजिए, 90 डिग्री को हमको चेंज करना है पाई में या रेडियन में, तो पाई बटे 180 गुणते 90, 0 0 चला गया, 9 * 9 = 18, यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 2। यानी कहने का मतलब कि मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा हूँ कि आपको एक बार देखें और याद हो जाए, वैसे अगर कोई पूछे तो आप ऐसे निकाल करके बता दीजिएगा कि कैसे डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसको। तो आप देखेंगे यह हमारा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसके इक्वल कोई वेरिएबल मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, वाई मान लेंगे, अब कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल हम मान लेंगे कि वाई है। ठीक, इधर से आप इनवर्स हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, अगर इधर इनवर्स नहीं है उधर जाएगा तो इनवर्स होगा, इधर से इनवर्स हटाएंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स हट जाएगा, तो माइनस का 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा साइन वाई। अब हमको बताइए साइन में किसका मान है, आप बताइए साइन में किसका मान है, साइन में हमारा तीस अंश का मान है, तो माइनस साइन तीस अंश इक्वल साइन वाई। अब बताइए हमको रेडियन में अगर तीस अंश को चेंज किया तो पहले देख लीजिए फिर याद कर लीजिएगा, तो माइनस साइन आप क्या पाई बाई 6 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, और साइन वाई इसमें काटा नहीं जाता है, देखिए दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन चला जाएगा, माइनस का पाई बाई 6 इक्वल वाई हमारा हो क्या जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप पूछिए कि यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कीजिए तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इसमें बड़ी चीज क्या है कि यह जो 1/2 आ रहा है ना, कैसे आप जानेंगे कि यह 30 अंश का है, 45 अंश का है, 90 अंश का है, 60 अंश का है, इससे पहले आपको त्रिकोणमिति चार्ट सीखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो है एक चैनल पे, जाकर के आप उसको खोज करके आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, वैसे आप रट ही लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इधर देखिए हो गया, हम देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है, केवल एक ही मेथड है, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल हम मान लेते हैं वाई। हम क्या करेंगे, इधर से कॉस इनवर्स हटाएंगे उधर जाकर क्या हो जाएगा कॉस वाई, तो √3/2 इक्वल कितना हो जाएगा कॉस वाई। अब बताइए कॉस इधर है ना, जो इधर रहेगा उसी में इसका मान देखना है कि कितना होगा, तो ये बताइए कॉस कितने अंश का मान है, यह कॉस 30 कितने अंश का, 30 अंश का मान है। आपको पता है कि साइन या कितने का, 60 अंश का मान है, जबकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो यह कॉस कितने अंश का मान है, कॉस 30 अंश का मान है बराबर कॉस वाई। अब बताइए 30 अंश को हम पाई में या रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा कॉस कॉस पाई बाई 6 इक्वल कॉस वाई। ऑन कंपेयर लिखें, इसको काटेंगे दोनों साइड इक्वल है तो कितना आएगा हमारा पाई बाई 6 इक्वल बराबर वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जरा दोनों क्वेश्चन को एक बार लिखिए तो, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिए एक बार लिखिए तो। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, रोक करके देखिए, धीरे धीरे देखिए, लेकिन देखिए एक बार जरूर। अगला क्वेश्चन दूसरा था ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कॉसेक इनवर्स 2 क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स 2। हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसके इक्वल आप वाई मान लीजिए, सीधा सीधा कॉसेक
इनवर्स 2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा वाई, हम क्या करेंगे कोसेक को उठा कर तो उस साइड भेजे तो 2 इक्वल कितना हो जाएगा कोसेक वाई। ये बताइए कोसेक में कितने अंश का मान है, कोसेक 30 अंश का मान है, आप एक बार जाकर के देखेंगे और रटेंगे कोसेक कितने अंश का मान है, कोसेक 30 अंश का मान है इक्वल कोसेक वाई, सॉरी कोस लिख दिया कोसेक वाई। अब हमको बताइए कि 30 अंश को डायरेक्ट चेंज किस में करेंगे, उधर देख लीजिए एक बार पाई बाई थ्री, तो आप कोस से आप लिखेंगे कि पाई बाई थ्री तीस सॉरी पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स इक्वल कोस से वाई, कोस से कोस चला गया बचा कितना पाई बाई सिक्स इक्वल वाई। आप काटिएगा नहीं, काटेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयर लिख सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए, एग्जामिनर वैसे भी समझ जाएंगे यह बराबर है तो दोनों कट जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए तो एक बार